जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों को, मैं हूं रोहित। फिर से आप लोगों को एक बार स्वागत करता हूं आप लोगों को यूट्यूब चैनल कम्पिटिव रोहित पर। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, एज प्रॉब्लम, आयु संबंधित क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को बोर्ड पर ध्यान दें। ठीक दोस्तों, तो आप लोग सामने पहला क्वेश्चन है, आप लोग किस तरफ से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, वही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो ताकि आप लोग ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, 3:4, और दोनों की आयु का योग, आयु का योग 28 वर्ष है, तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को रेशियो ऑफ एच ऑफ ए एंड बी इज 3:4, सम ऑफ द देयर एच ऑफ 28 ईयर्स, फाइंड द बोथ, दोनों का एच आप लोगों को पता करना है। तो ए और बी का रेशियो दिया कितना दिया है, ए और बी का रेशियो कितना दिया है, ए रेशियो बी कितना दिया है, 3:4 दिया है। तो दोनों का आयु का योग, दोनों का आयु का योग, तो दोनों का आयु का योग वही होगा ना दोस्तों। तो 3:4 कितना है? दोनों का आयु का योग योग कितना है, योग कितना है, योग है कितना होगा, योग तो योग होगा कितना, 7 है। क्वेश्चन में कह रहा है आज दोनों का आयु का योग 7 नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 7 नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना है, 28 ईयर्स है, एक नहीं है, कितना है, 28 / 7, तो कितना 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 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, कितना बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की आयु का आयु ज्ञात कीजिए। तो ए का तो आप लोग पता चल गया, तो ए का कितना होगा, ए का आप लोग जब इसमें मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 × 4 करो तो कितना होगा, 12 वर्ष होगा। और बी का पूछेगा तो आप लोग क्या करना, आप लोग 4 × 4 करो तो कितना होगा, आप लोग का आंसर 60 वर्ष आप लोग का होगा, 16 वर्ष आप लोग का आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोगों को बोलना। ठीक है, तो आप लोग सामने दोनों और क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। तो आप सामने सेकेंड क्वेश्चन, तो आप सामने दो नंबर क्वेश्चन आप लोग करना क्या देखना। ठीक दोस्तों, दो नंबर क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, और दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग कितना, 56 वर्ष है। तो ए और बी की आयु का आयु ज्ञात कीजिए। तो आप लोग करना क्या, ए और बी की रेशियो कितना दिया है, ए और बी की रेशियो दिया कितना दिया है, 5:3 दिया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं दोनों का आयु का योग, तो दोनों का आयु का योग वही होगा ना दोस्तों। तो योग कितना होगा, योग है कितना है, योग होगा कितना, 8 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है योग 8 नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना, एक्चुअल में कितना है, 56 है, 8 नहीं है, कितना है एक्चुअल में, कितना कह रहा है, 56 है। तो एक नहीं है, कितना है, 56 / 8 करो तो कितना बार कटेगा, 8 × 7 = 56, तो कितना बार कटेगा, 7 बार कटेगा। तो क्वेश्चन में क्या है, ए और बी की आयु क्या होगा, ए और बी की आयु पता करना। तो ए का तो कितना होगा, 5 7 जाना कितना, 5 7 35, 5 × 7 = 35। बी का पूछेगा तो आप लोग कितना वर्ष होगा, बी का कितना वर्ष होगा, बी का पूछेगा तो आप लोगों 3 7 = 21, तो कितना वर्ष होगा, 21 वर्ष आप लोग आंसर, कितना वर्ष, 35 वर्ष और 21 वर्ष आप लोगों का आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ताकि आप सामने तीन नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, तो आप सामने तीन नंबर क्वेश्चन आप लोग करना क्या देखना। ठीक दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 और उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है, तो ए और बी की आयु कितना होगा ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी की आयु का अंतर कितना है, ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 4:7 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का अंतर क्या है, तो दोनों का ए और बी का कितना है, ए का रेशियो 4, बी का रेशियो 7, तो दोनों का में अंतर कितना गया, अंतर कितना गया, अंतर कितना गया, अंतर ए और बी के अंतर में कितना कितना गया, 3 का अंतर है, कितने कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल में 3 का डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 3 का डिफरेंस नहीं है, कितना, 33 का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस नहीं है, कितना का, 33 का डिफरेंस है। एक नहीं है, कितना है, 33 / 3 करो तो कितना बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा, कितना बार कटेगा, 11 का डिफरेंस है। तो ए और बी की आयु का युग, ए और बी की आप पूछ रहे, तो ए का पता करना, तो क्या करना आप लोगों, ए के साथ आप मल्टीप्लाई करना, तो 4 × 11 करो तो कितना होगा, 44 वर्ष होगा। और बी का पता करो तो क्या होगा, 7 × 11 करो तो कितना होगा, 77 वर्ष आप लोग आंसर होगा। ठीक है, तो ए का 44 वर्ष, बी का 77 वर्ष। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग सामने 4 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों आप लोग, तो 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग, ठीक दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, 3, और उनकी आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो ए और बी की आयु का अंतर। तो सेम क्वेश्चन किसी खाली वैल्यू चेंज किया हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को प्रॉपरली पता चले, इस वजह से हमें आप लोगों को वैल्यू चेंज किया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग करना क्या देखना है इस तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी का रेशियो कितना है, ए बी रेशियो कितना दिया है, 5:3 दिया है, 3 दिया है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का अंतर कितना है, ए और बी का अंतर कितना है, ए और बी का अंतर
का अंतर कितना है, अंतर है कितना का अंतर है, दो का अंतर है, कितना का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है। क्वेश्चन में कह रहा है दो का डिफरेंस नहीं है, एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस, एक नहीं है कितना का। तो अब लोग कितना बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा, 15 बार कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की आयु का, आयु कितना होगा, तो ए और बी की आयु अब लोग पूछ रहे हैं, तो ए और बी के पता करना। तो ए होगा कितना होगा, 15 × 5 को कितना, 15 × 5 = 75, 75 वर्ष होगा। और बी का पूछेगा तो आप लोगों क्या करना, आप लोगों 15 × 3 करोगे कितना होगा, 15 × 3 = 45 वर्ष होगा। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो आप लोग इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब सर पाँच नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान। तो अब सर पाँच नंबर क्वेश्चन आप लोग करना क्या देखना है, तो थोड़ा अभी थोड़ा अलग क्वेश्चन, ठीक दोस्तों। तो आप लोग करना क्या देखना है, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, आयु का अनुपात क्या होगा। तो अब लोग का इस पूछ रहे हैं आप लोग आयु का अनुपात क्या, आप लोग पता करना, ठीक दोस्तों। तो अब लोग करना क्या देखना, ए और बी की, ए और की का रेशियो कितना दिया है, 4:5 दिया है, 4:5 दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है उनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग कितना है, दोनों की आयु का योग इस कौन सा वर्ष का, 4 वर्ष का, 4 वर्ष बाद का है, कितना का है, 4 वर्ष बात का है, 4 वर्ष बात का है, कितने कौन सा वर्ष का, 4 वर्ष बात का है। तो आयु का योग कितना है, आयु का योग कितना है, आयु का योग, आयु का योग कितना है, योग होगा कितना है, 5 + 4 कितना है, 9 वर्ष है, कितना वर्ष का योग है, 9 वर्ष का योग। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में एक्चुअल में 9 वर्ष का नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना, 36 वर्ष का है, कितना है, 36 वर्ष का, 9 नहीं है कितना है, 36 वर्ष है, एक नहीं है कितना है, 36 / 9 कटो कितना बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो अब लोग करना क्या देखना, ठीक है दोस्तों। तो अब लोग पूछ रहा है उनकी आयु का अनुपात क्या हो, तो ए और बी की आयु का अनुपात क्या हो, लोग पता करना। तो अब लोग करना इधर देखना, ठीक है दोस्तों। तो ए का पता करना तो क्या करना, अब लोग 4 × 4 करो तो कितना होगा, 4 × 4 करो कितना होगा, 16 होगा, 16 होगा कि नहीं होगा। तो बी का पूछ रहा था, अब लोग करना क्या करना देखना, तो 5 × 4 करो कितना होगा, 5 × 4 करो तो कितना, 20 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा दोनों का क्या कह रहा, दोनों का अनुपात कह रहा। तो अब लोग क्वेश्चन में कह रहा 4 वर्ष बाद उनकी उनकी आयु का अनुपात क्या हो, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद कहेगा तो अब लोग क्या करना, प्लस कर देना। तो 4 वर्ष बाद कहेगा तो अब लोग क्या करना, उसमें प्लस करना, और उसमें भी प्लस करना, 4 वर्ष बाद कहेगा तो अब कितना होगा, ये 20 होगा, और कितना होगा, 24 होगा। जब उसे काटोगे तो कितना बार कटेगा, ये कितना बार कटेगा, 5 × 4 तो कितना बार कटेगा, तो देखना जो 5 से काटोगे कितना बार कटेगा, 4 से काटो, 4 × 5 = 424, तो कितना आप लोग रेशियो होगा, 5:6 होगा। तो 6 से जब काट कितना बार कटेगा, 4 से काटोगे कितना बार कटेगा, 4 से कटेगा 5 बार, 4 से कटेगा 6 बार। तो अब रेशियो कितना होगा, 5:6 होगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो आप लोग आंसर कितना होगा, 5:6 होगा। तो अब सर 6 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग करना। तो अब सर 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना क्या देखना, ठीक दोस्तों। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, और उनकी आयु का योग 42 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद, सॉरी इसमें आप लोग क्या करना, आप लोग 6 वर्ष बाद कर देना, ठीक दोस्तों। 6 वर्ष बाद करेगा तो आप लोग थोड़ा अलग होगा, ठीक है, 6 इयर्स करना, ठीक दोस्तों। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो, तो सिर्फ मैं खाली आप लोगों को वैल्यू चेंज किया, सही क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को पता चले, इसी वजह से मैं खाली सिर्फ वैल्यू चेंज किया, ठीक दोस्तों। तो आप लोग करना, ए और बी का रेशियो कितना है, ए और बी का रेशियो कितना है, 3:4 है। क्या है, आयु का योग कह रहे हैं, आयु उनकी आयु का योग, उनकी उनकी आयु का योग, आयु का योग कितना है, योग दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है, 7 वर्ष दिया है, कितना वर्ष, 7 वर्ष दिया है, कितना दिया है, 7 वर्ष दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद आप लोग क्या करना, 6 वर्ष बाद कहेगा तो आप लोग प्लस कर देना, ठीक दोस्तों। 6 वर्ष बाद कहेगा तो आप लोग क्या करना, प्लस करना कहेगा, और 6 वर्ष पूर्व कहेगा, पहले कहेगा तो आप लोग माइनस करना, ठीक है, इतना आप लोग याद करना। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो 6 वर्ष बाद कितना, उन 3:4 है, 3:4 है, और उनकी आयु का योग 42 वर्ष है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 7 नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 42 वर्ष है, कितना है, 42 वर्ष है, एक नहीं है कितना है, 42 / 7 करो कितना बार कटेगा, ये 742 6 बार कटेगा, कितना बार कटेगा, 6 बार कटेगा। तो अब लोग ए रेशियो बी पूछ रहे हैं, तो अब लोग ए का पता करना, तो आप लोग करना क्या देखना, ए का पता करना, तो आप लोग ए
ए का पता करना था कितना, थ्री इंटू सिक्स करो कितना होगा, 18 होगा। और बी का पूछेगा तो आप लोग क्या करना, 4 × 6 करोगे तो कितना होगा, 24 होगा। तो आप लोग मैं उधर लिख देता हूँ तो दोस्तों दिखाई देगा आप लोगों को। तो ए का पूछेगा तो आप लोग क्या करना, ए रेशियो बी, तो आप लोग करना कहना, तो इसमें क्या करना आप लोग को दिखाई दे रहा ना उसमें दोस्तों दिखाई देगा। तो उसमें 6 वर्ष बाद कहेगा, तो 6 वर्ष बाद कहेगा तो आप लोग क्या करना, 6 ऐड कर देना उसमें भी, 6 ऐड कर देना। तो कितना होगा ये, 24 होगा। ये कितना क्या होगा, 30 होगा। दिखाई दे रहा ना दोस्तों उधर दिखाई दे रहा है। तो उसमें क्या होगा, 24 होगा और उसमें कितना होगा, 30 होगा। तो जब उसे काटोगे कितना बार कटेगा, 6 से कितना कटेगा, 4 बार कटेगा, और 6 से कटेगा कितना बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो आप लोग आंसर कितना होगा, 4:5 होगा। तो आप लोग आंसर कितना होगा, 4:5 होगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आलो साधन बार क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, तो आलो साधन बार क्वेश्चन, साधन बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आप लोग को सही तरफ से पढ़ना क्वेश्चन को और करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, और 8 वर्ष बाद, और 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो अभी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। उसमें आप लोग दोनों दोनों मेथड्स में बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखना ए और बी की आयु का अनुपात, तो आप लोग करना क्या, देखना ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है आप लोग को, 5:7 दिया है। कितना दिया है, 5:7 दिया है। ये वर्तमान रेशियो, वर्तमान का रेशियो, ठीक है दोस्तों, वर्तमान का है, वर्तमान प्रेजेंट, ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट का है, PRESENT प्रेजेंट का है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद जाए तो कितना होगा, 8 वर्ष बाद, और रेशियो कितना, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद करके प्लस करना, ठीक दोस्तों, 8 वर्ष बाद करके प्लस करना, और 8 वर्ष बाद यह रेशियो कितना हो जाता है, 7:9 कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो मैं देखूँ जी उसमें रेशियो में कितना का अंतर है, रेशियो में कितना का अंतर है, उसमें पहले कितना, 8 वर्ष, 5 वर्तमान कितना था, 5:7 था, तो 8 वर्ष बाद कितना हो गया, 7:9 कितना होगा, 9 होगा। तो इसमें रेशियो में कितना का अंतर है, तो रेशियो में देखोगे कितना का अंतर, 2 का अंतर है कि नहीं, 2 का अंतर। तो रेशियो में कितना का अंतर, 2 का अंतर। तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष का अंतर नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 8 वर्ष का अंतर है, कितना का, 8 वर्ष का है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष का अंतर नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। तो एक नहीं है कितना है, 8 × 2 करो तो कितना बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है आप लोग को ए और बी की वर्तमान आयु तो पूछ रहा है, तो ए और बी की वर्तमान, तो वर्तमान कौन सा है, वही है ना, 5:7 है ना। तो आप लोग इसमें मल्टीप्लाई, तो ए और बी की वर्तमान आयु आप पता करना, तो ए का पता करना, तो क्या 5 × 4 करो तो कितना होगा, 20 वर्ष होगा आप लोग का आंसर, ठीक है। तो बी का पता करना, तो आप लोग क्या करना, बी का पूछेगा तो आप लोग क्या करना, बी का पूछेगा तो 4 × 7 करना, क्या होगा, 28 आप लोग का आंसर होगा, 7 × 4 = 28। तो इस तरफ से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ताकि आप सामने में 8 नंबर क्वेश्चन, उसको करने का और भी तरीका आप लोग देखना, किस तरफ से करना है और देखना, ठीक, उसे करने का और भी तरीका है, ठीक है दोस्तों। मैं उधर थोड़ा दिखाई देगा आप लोग करना, वर्तमान ए और बी की आयु का अनुपात, वर्तमान ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष है, 8 कितना है, और 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था आप लोग करना, तो उसमें आप लोग एक्स मान के गए, तो मैंने इसको पहले देखा कितना वर्ष, 5x + 8 वर्ष बाद के, तो मैं क्या करूँ, 8 ऐड करूँ, तो 7 मैं करूँ क्या करूँ, 7x + 8 करूँ, कितना करूँ, 7x + 8 करूँ, तो ओपन कितना होगा। तो आप लोग करना, तो किस क्या दिया आप लोग बराबर में क्या दिया है, 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। कितना आप लोग कहना, 7/8 क्या, 9 करना, 7/9 करना। तो आप लोग करना क्या देखना, तो इस दोनों को क्या करना, आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो जब उसे मल्टीप्लाई कर कितना होगा, तो 5×9 जाके देना, 5×9 = 45 कितना, 45x + 8×9 कितना होता है, 72। तो बराबर कितना दिया है, 7:7 कितना, 7×7 = 49x, तो प्लस कितना, 7×8 = 56। तो इस तरफ से आप लोग करना, तो जब आप लोग x का वैल्यू पता करना, तो x का वैल्यू पता करते इसमें क्या होगा, तो 49x - 45 बराबर कितना दिया, 72 - 56। तो आप लोग x का वैल्यू पता चल गया ना दोस्तों, x का वैल्यू पता चलेगा तो कितना क्या करना आप लोगों को, जब उसे काटोगे तो x का वैल्यू कितना होगा, x बराबर कितना होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आप देखना, ठीक है दोस्तों, कितना होगा, 4x होगा। तो उसमें कितना का होगा,
तो कितना 12 बराबर कितना होगा 6, तो कितना होगा 16 का होगा, 16 का होगा। तो x का वैल्यू पता चल, x का वैल्यू पता करना है तो क्या करना आप लोगों को, तो 16 ओपन कितना होगा 4 होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, तो जब उसे काटोगे कितना होगा 4 होगा कि नहीं होगा, 4 होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। तो अभी अभी क्या करना आप लोग, उसमें आप लोग मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा आप लोग आंसर देखना, तो आप लोग आंसर कितना होगा, तो किससे किससे कहेगा वर्तमान कहेगा, तो आप लोग इसमें इसमें आप लोग मल्टीप्लाई करना, तो वर्तमान का इसमें तो आप लोग मल्टीप्लाई करना, ठीक है दोस्तों। तो 5 × 4 करो तो कितना होगा 20 होगा, और 5 कितना 7 × 4 करो तो कितना होगा 28 होगा। तो इस तरफ से अभी आप लोग कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ताकि सामने 8 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो अब सुना 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन सिर्फ सेम क्वेश्चन है, सिर्फ खाली वैल्यू चेंज किया, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया 3:4 है, तो और 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाए 5:6 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगा, तो आप लोग वर्तमान आयु ए और बी की आप लोग पता करना, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखना, तो ए और बी की कितना दिया है, ए और बी की कितना दिया है, ए और बी की कितना दिया है 3:4 दिया है, कितना दिया है 3:4 दिया है, कि प्रेजेंट का है, ठीक है, वर्तमान का, PRESENT प्रेजेंट वर्तमान का है, ठीक है दोस्तों। एक क्या कौन सा का है, वर्तमान का है, तो कि कौन सा कह रहा है 4 वर्ष बाद यह रेशियो कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है, कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यह रेशियो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 5:4 हो जाता है, 5:6 हो जाता है, क्वेश्चन में कह रहा है 5:6 हो जाए। तो मैं देखूंगा इसमें कितना का डिफरेंस चल रहा है, तो वर्तमान में कितना था 3:4 था, और 4 वर्ष बाद देखूं तो कितना हो गया, कितना होगा 5:6 का, कितना का डिफरेंस है उसमें, कितना है? 2 का डिफरेंस है 3 से कितना होगा 5 होगा, 4 से 6 होगा, तो कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष का डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष का डिफरेंस है, क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना वर्ष का डिफरेंस, 4 वर्ष का डिफरेंस है, एक नहीं है कितना है 4 वर्ष, तो जो कितना कितना बार कटेगा ये 2 बार कटेगा, तो 2 बार कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगा, ए और बी की वर्तमान आयु पता करना, तो ए और बी की वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट आयु क्या होगा, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगा, तो 3 × 2 करते कितना होगा आप लोग, कितना होगा 6 होगा, और 4 × 2 करते कितना होगा 4 × 2 करते कितना होगा 8 वर्ष होगा। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक दोस्तों, कितना 6 वर्ष हो 8 वर्ष होगा। तो उसे करने का और भी तरीका है दोस्तों, आप लोग देखना, ठीक है दोस्तों, इस तरफ से करना। तो क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान ए और बी की आयु है, तो अब लोग क्या माना, उसे एक्स मान गए, 3x प्लस कितना वर्ष कह रहे हैं 4 वर्ष बाद, तो क्या करना बोलो 4 ऐड करना, तो उसमें 4 कह रहा है, 4x प्लस कितना करना 4 वर्ष के तहत, तो अब लोग 4 ऐड करना, तो ओपन कितना होगा देखना आप लोगों। तो क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 5:6 कितना हो जाता है 6 हो जाता है, क्या हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो अब लोग उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या मल्टीप्लाई करना आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो कितना होगा 6 × 3 = 18 होगा कि नहीं होगा, होगा 18x होगा, तो प्लस कितना है 6 × 4 = 24 बराबर कितना दिया 5 × 20 कितना 20 है ना, तो प्लस कितना होगा 5 × 20 कितना, गलती हो गया, हाँ ठीक है ठीक है, तो कितना होगा 20 होगा, तो कितना होगा 20 होगा, 5 × 4 = 20 तो 5 × 4 = 20। तो आप लोग करना के देखना, तो जब उसमें काटोगे तो कितना होगा 18 में, तो उसमें x है ना, तो x है, तो आप लोग करना के देखना, ठीक है दोस्तों, गलती हो गया क्या, तो अब लोग मल्टीप्लाई करना, तो कितना होगा 6 18x होगा प्लस कितना होगा 6 × 4 = 24 होगा बराबर कितना दिया, तो बराबर कितना दिया, बराबर कितना दिया 4 20x प्लस कितना 20, तो जब उसमें करोगे तो कितना होगा 20x माइनस कितना होगा 18x बराबर कितना दिया है आप लोगों को 24 माइनस कितना दिया उसमें आओगे तो कितना होगा 20 होगा या नहीं होगा, तो x का आप लोग कितना होगा, तो 20 में से 18 चला गया तो कितना होगा, तो 2x होगा कि नहीं होगा, होगा, तो बराबर कितना दिया 4 है, कितना 24 में से 20 चला जाएगा कितना होगा 4 बचा गया नहीं, तो x का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू कितना होगा, तो 4 डिवाइड कितना 2 करो कितना बार कटेगा, x का वैल्यू कितना होगा 2 हो गया, 2 होगा, x का वैल्यू 2 आया नहीं आया, तो आप लोग वर्तमान क्या है, तो आप लोग उसमें आप लोग पुट करना, तो वर्तमान का रेशियो कितना है, तो वर्तमान ए और बी की रेशियो कितना है, ए और बी की रेशियो 3:2, तो 3 × 2 करो कितना होगा 3 × 2 करो कितना होगा, 6 वर्ष होगा, और बी का कितना होगा, बी का आप लोग पूछेगा तो
टू इंटू फोर करो तो कितना होगा, 8 वर्ष आप लोग आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ताकि आप सर 9 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो और सर 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अलग मतलब आप लोग पहले बाद में था अभी पहले दिया, पूर्व में दिया, तो आप लोग करना पहले मतलब पूर्व मतलब पहले, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में ए और बी की आयु, बी की आयु का अनुपात 8:5 है, और ए और 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना हो जाता, 5:2 था, 5:2 था। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या ज्ञात करना, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। तो ए और बी का रेशियो कितना दिया है, ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 8:5 दिया है। ये कौन कितना का, कौन सा का, वर्तमान का दिया है, ये प्रेजेंट का दिया है, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट दिखाई देगा दोस्तों उधर, प्रेजेंट PRESENT वर्तमान का है, कौन सा का है, वर्तमान का है, ये कौन सा का है, वर्तमान का है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 12 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है, 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व कह रहा है, ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है, 12 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो अब लोग पहले, पूर्व का मतलब पहले है, ठीक दोस्तों, पहले है। तो अब लोग कहना 12 वर्ष पहले कितना का रेशियो था, 5:2 था, क्वेश्चन 5:2 था। तो 12 वर्ष प्रेजेंट में कितना था, प्रेजेंट में 5 कितना, 8:5 था, तो पूर्व में कितना था, 5:2 था। तो कितना का अंतर है, तो उसमें देखोगे कितना का अंतर, 5 का कितना का अंतर, 3 का अंतर है ना दोस्तों, 3:2 का अंतर है, कितना रेशियो का अंतर है, 3:2 का। अब इधर इधर इसे भी लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं, ठीक दोस्तों। कितना रेशियो का अंतर है, 3:2 का अंतर, क्वेश्चन में कह रहा है 3 का रेशियो अंतर का नहीं है, 12 वर्ष का अंतर है, कितना का, 12 वर्ष अंतर। तो 3:2 बराबर कितना दिया है, 12 वर्ष दिया है, तो 1:2 बराबर कितना होगा, 12, तो 1:2 बराबर कितना होगा, 3, तो कितना बार कटेगा, 4 बार कटेगा, कितना बार कटेगा, 4 बार कटेगा, कितना बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो आप लोगों को तो प्रेजेंट का पता करना, तो वर्तमान का पता करना, तो क्या करना आप लोगों को, वर्तमान का पता करना, तो वर्तमान का रेशियो, वर्तमान का एच, ए और बी की वर्तमान का एच, तो ए और बी की वर्तमान एच, तो ए का कितना होगा, तो ए का 8:4 करो तो कितना होगा आप लोग आंसर, 8×4=32 होगा, और बी का पता करो तो कितना होगा, 5:4 करो तो कितना होगा, 20 होगा, 5:2 करते कितना होगा, 20 होगा। तो उसे आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें क्यों नहीं निकाला सर बोल रहा था, और इसमें भी आप लोग निकाल सकते हैं, उसमें भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या करना, उसमें निकाल के क्या करना, आप लोगों को 12 वर्ष घटा देना, तो इतना हो जाएगा, देखना आप लोग को 5×4 कितना, 12 वर्ष, तो पूर्व क्या है, तो पहले तो आप लोग 12 वर्ष पहले ले जाना, तो क्या करना आप लोग, पहले आप लोग लेके जाना, तो कितना होगा, तो कितना आप लोग आंसर होगा, 5 कितना होगा, 20 होगा, 20 तो में से कितना ऐड करूँगा, 12 ऐड करो कितना, 32 होगा, नहीं होगा, होगा, तो उसमें भी ऐसा 8 में से कितना ऐड करोगे, 8 में से 12 ऐड करो कितना, 20 होगा कि नहीं होगा, 20 होगा। तो जैसे करोगे ऐसे ही होगा, तो अब लोग करके देखना, ठीक दोस्तों। तो 5:4 करो कितना, 20 होगा, 20 में से मैं 12 ऐड करो कितना होगा, 12 ऐड करो कितना होगा, 32 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 4×2 करो कितना, 8 होगा, 8 में से मैं 8 में से 12 ऐड करो कितना, 20 होगा कि नहीं होगा। तो जिस तरफ से करोगे इस तरफ से होगा, तो उसे करने का और भी तरीका है दोस्तों, अब लोग करना, ठीक है। उसे एक्स मान के कैसे करोगे, उसे सिखाने, ठीक है दोस्तों। तो उसका उसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा देखना, तो वर्तमान वर्तमान में ए और बी की वर्तमान, तो मैं इसमें क्या मान लो, एक्स आइट एक्स माइनस कितना, पूर्व क्या रहता है, आप लोग क्या करना, माइनस करना, तो कितना होगा, -12 होगा कि नहीं होगा, अपॉन कितना, 5x माइनस कितना होगा, 12 होगा, तो 12 तो बराबर कितना दिया है, तो कितना 12 वर्ष पूर्व कितना दिया है, 5:2 दिया है, 5/2 दिया है, कितना दिया है, 5/2 दिया है। तो अब लोग उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा, 16 होगा, 8×2=16 एक्स, तो कितना 12×2=24 होता है कि नहीं, 12×2=24, तो बराबर कितना, 5×5=5 कितना होता है, 25 होता है कि नहीं, 25x, तो 12×5 कितना होता है, 60 होता है कि नहीं होता, होता है। जब उसे घटाओ तो कितना होगा, तो 25 माइनस कितना, 16x, 25 माइनस 16x बराबर कितना दिया है, 16 माइनस कितना, 24 होगा ना दोस्तों, होगा। तो इसमें डायरेक्ट घटा देना, ऐसे भी डायरेक्ट घटा देना, तो क्या होगा बोलो देखना, तो कितना होगा, 9x बराबर कितना होगा, 36 होगा। तो इसमें जब घटाओगे तो कितना होगा, 9x बराबर कितना, 36 होगा। तो x का वैल्यू पता करना, तो क्या होगा ना, 36/9 होगा, तो 36/9, तो x का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, x का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, तो x का वैल्यू 4 होगा। तो अब वर्तमान में जाना, तो क्या करना आप लोगों को, उसमें मल्टीप्लाई करना, तो कितना, 8×4 कितना होता है, 1 का पता करना, तो क्या करना आप लोगों को, 8×4 जा कितना होगा, 32 होता है कि नहीं होता, होता है। तो b का पता करना, तो क्या होगा, 5×4 जा कितना होता है, तो 20 होगा। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ताकि 10 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान।
तो अब सर 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना। तो 10 नंबर का वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात, 7:3 है। तो और बी क्या है, 9 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना हो जाता है, 4:6 हो जाए, 4:6 था। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगा, अब लोग क्या करना, ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दो दोस्तों, ताकि आप लोगों को परफेक्ट होना चाहिए। इसी वजह से आप लोग तो देखना ए और बी की वर्तमान कितना है, ए और बी की रेशियो कितना है, 7:3 कितना दिया, 3 दिया है। एक कौन सा दिन का है, प्रेजेंट का है, वर्तमान का है, ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट का है, ठीक है, प्रेजेंट का और वर्तमान का है, वर्तमान का। तो कितना दिया है, 7:3 था। तो क्वेश्चन में 9 वर्ष पूर्व कितना है, 9 वर्ष पूर्व कितना हो गया, कितना हो गया, 4:6 कितना हो गया, 4:6 हो गया। ये 9 वर्ष पूर्व है, 9 वर्ष पूर्व कितना हो गया, कितना हो गया, 4:6 हो गया। तो अब लोग इस पूर्व का मतलब पहले, ठीक दोस्तों, पहले कितना कितना हो गया, 4:6 हो गया। तो कितना का अंतर है, तो अब लोग प्रेजेंट में जाएंगे तो कितना होगा, तो 9 वर्ष पूर्व जाएगा तो कितना होगा, 7 में से 9 वर्ष पूर्व जाएगा कितना होगा, 3 का अंतर है ना दोस्तों, 3:6 का अंतर है। उसमें कितना का है, उसमें भी 3 लगाया है, तो कितना का अंतर है, 3:6 का अंतर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 3:6 का अंतर नहीं है, एक्चुअली में कितना का है, 9 का है। तो एक नहीं कितना है, 9 का नहीं, कितना कटेगा, ये 3 बार कटेगा, कितना बार कटेगा, 3 बार कटेगा। क्वेश्चन में कह रहा है प्रेजेंट एज, वो ए और बी की प्रेजेंट वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो वर्तमान आयु आप लोग पता करना। तो वर्तमान आयु क्या होगा आप लोग को, ए और बी की, तो ए का पद कितना होगा, 7 × 3 करो तो कितना हो जाएगा, 21 होगा। और बी का पता करना है तो 3 × 3 करो तो कितना होगा, 9 होगा। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं, कितना वर्ष, 21 वर्ष होगा, 9 वर्ष होगा। तो उसे और भी करना तरीका है, आप लोग मैं पहले लिख देता, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होगा इसी वजह से ज़्यादा लिखने से, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग पता चल गया, तो कितना आप लोग करना, 7x - कितना करना, 9 करना, और ओपन कितना करना, 3x - 9 करना, बराबर कितना दिया है, 4:6 दिया है। तो इसमें आप लोग पुट करना, ठीक दोस्तों, वैल्यू तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। आप लोग सामने 11 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग सामने 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा अलग है, अलग मतलब बहुत सारे अलग है। तो देखना, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था, और 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 11:12 हो गया। तो हो जाएगा, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो ए और बी की वर्तमान आयु पता करना। तो वर्तमान में आप लोग क्या करना, तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व क्या, तो क्या करना, माइनस करना, 10 वर्ष बाद गया तो प्लस करना, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान देना इस उधर, तो वर्तमान में कितना था, वर्तमान में आप लोग पता नहीं है, वर्तमान का आप लोग क्या है पता नहीं है। तो वर्तमान में आप लोग वर्तमान प्रेजेंट में हम लोग कितना था पता नहीं, वर्तमान कितना थे पता था, पता नहीं, ए और बी की, ठीक है दोस्तों, ए और बी की। तो देखना, तो अब लोग 10 वर्ष पूर्व जाना, तो 10 वर्ष पूर्व तक इधर जाना, 10 वर्ष पूर्व कितना होगा, 10 वर्ष पूर्व तो कितना होगा, 10 वर्ष पूर्व तो कितना होगा, 10 वर्ष पूर्व कितना होगा, 7:6 था, कितना था, 6:7 था। और क्वेश्चन में क्या है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 11:12 हो गया, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद जाना आप लोग क्या करना, 10 वर्ष बाद जाना, तो आप लोग क्या करना, माइनस और प्लस, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद जाना तो क्या करना आप लोगों को, प्लस करना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कितना हो जा रहा है, 11:12 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 11:12 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 11:12 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद तो कितना का अंतर है, उसमें डिफरेंस है ए और बी में, कितना का अंतर है देखना आप लोगों को, कितना का डिफरेंस है ए और बी में, कितना का अंतर है। तो देखो जी इसमें कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। तो आप लोग देख काट के देखना, 6:7 और 11:12, तो कितना का अंतर है उसमें, देखो तो 5 का अंतर है ना, 7 × 5 = 12, तो कितना का रेशियो अंतर है, 5 का रेशियो। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्चुअल में कितना का अंतर, 5 का रेशियो अंतर नहीं है, एक्चुअल में कितना का है, तो 10, तो अपोजिट अरेंज में क्या जुड़ जाता है, अपोजिट अरेंज में क्या होता है, पूर्व और पहले कहेगा तो जुड़ जाएगा, तो बाद में कहेगा बोले घट जाना। तो कितना होगा, 20 वर्ष होगा जाएगा, हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष का अंतर नहीं, 5 वर्ष का अंतर नहीं है, कितना का, 20 वर्ष का अंतर है। तो 5:0 नहीं है, कितना आगा, 20 है। तो 1 नहीं है, कितना है, सॉरी 1:0 नहीं है, कितना आगा,
ट्वेंटी अपॉन फाइव क्यूब कितना बार कटेगा ये, चार बार कटेगा, चार बार कटेगा नहीं कटेगा, तो अब लोग करना क्या देखना ठीक दोस्तों, तो अब लोग करना क्या देखना ठीक दोस्तों, तो अब लोग रेशियो निकाला तो उसमें अब लोग पुट कर देना, तो उसमें जब गुणा करो तो कितना ए का पता चल जाएगा, ए का कितना होगा, ए रेशियो बी का कितना होगा अब देखना, तो उसमें जब वैल्यू कितना होगा, सिक्स इंटू फोर का कितना होगा, ट्वेंटी फोर होगा, ये कौन सा पूर्व का, दस बार पूर्व का होगा, दस बार पूर्व, तो प्रेजेंट में जाना आप लोगों को ठीक दोस्तों, तो प्रेजेंट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सेवन इंटू फोर का कितना होगा, ट्वेंटी एट, सॉरी सेवन इंटू फोर का कितना होगा, ट्वेंटी एट होगा, तो आप लोग एक कौन सा निकला पूर्व का, तो प्रेजेंट में जाना तो क्या करना आप लोग, दस वर्ष प्लस करना, तो दस वर्ष क्या करना आप लोग, प्लस करना, तो जब दस वर्ष प्लस करते कितना होगा आप लोग आंसर होगा, तो थर्टी फोर और कितना थर्टी एट आप लोग आंसर होगा वर्ष, ठीक है दोस्तों, इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कितना थर्टी फोर और थर्टी एट आप लोग आंसर होगा, तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं, उसे करने का और भी तरीका है दोस्तों, दिखाई दे रहा है नीचे दोस्तों, दिखाई दे रहा है, उसे करने का और भी तरीका है, तो थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान देना बोर्ड पर, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या करना आप लोग देखना, तो छः वर्ष बाद तो क्या काम लगता है, सिक्स इंटू क्या क्या करना, सिक्स प्लस क्या करना, बीस कह रहा है, तो कितना था पहले, दस वर्ष पूर्व दस वर्ष बाद क्या करना आप लोगों को, प्लस करना, तो कितना प्लस होगा, ट्वेंटी होगा, ट्वेंटी होगा ही नहीं होगा, दस वर्ष पहले दस वर्ष बाद तो कितना होगा, बीस होगा, तो अपन कितना है, सेवन सेवन एक्स प्लस कितना, ट्वेंटी, तो बराबर कितना दिया है आप लोगों को, ग्यारह रेशियो कितना दिया है, बारह दिया है, ग्यारह रेशियो बारह दिया है, तो अब लोग उसमें आप लोग वैल्यू पुट करके आप लोग क्या करना देखना, ठीक दोस्तों, तो कितना होगा, बारह सौ बहत्तर, कितना होगा, बारह सौ बहत्तर एक्स प्लस कितना, तो जब सोचा मल्टीप्लाई कितना होगा, कितना होगा, बारह दुना चौबीस, तो दो सौ, दो सौ चालीस होगा कि नहीं होगा, होगा दो सौ चालीस होगा ना दोस्तों, बराबर कितना दिया है, ग्यारह सत्तर सतहत्तर, कितना होगा, सेवेंटी सेवन, तो कितना होगा, ग्यारह दुना बाईस, कितना होगा, दो सौ बीस होगा, ग्यारह दुना बाईस दो सौ बीस होगा कि नहीं होगा, तो उसमें घटा देना, तो घटा हुआ तो कितना होगा अब देखना, तो जब उसे घटा हुआ तो कितना होगा, तो बहत्तर में से सतहत्तर में बहत्तर चला गया देखते ना, फाइव एक्स बचेगा नहीं बचेगा, बराबर कितना है, तो 240 में 220 चला गया तो कितना होगा, 20 बचेगा नहीं बचेगा, तो x का वैल्यू पता चल गया ना दोस्तों, x का वैल्यू कितना होगा, तो 4 होगा कि नहीं होगा, होगा, तो x का वैल्यू अब कितना होगा, 4 होगा, ठीक है दोस्तों, 4 कितना होगा, 4 होगा, x का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, तो अब लोग करना क्या, उसमें आप लोग पुट करना, तो वैल्यू पुट करना, तो ए का वैल्यू अब लोग पता चल गया, तो ए का वैल्यू पता चल गया, ए और ए रेशियो बी का, तो कितना, सिक्स इंटू फोर, कितना, सिक्स इंटू फोर, सेवन इंटू फोर, तो कितना होगा, ट्वेंट कितना, सिक्सटी फोर, सॉरी ट्वेंटी फोर होगा, छः छः चौबीस, और कितना, ट्वेंटी एट होगा, छः छः चौबीस, सात चौ अट्ठाईस, तो कितना होगा, अब तो लोग इसमें कौन सा वैल्यू निकला है, दस वर्ष पूर्व का है, तो प्रेजेंट में जाना तो क्या करना आप लोग, दस दस ऐड करना, तो क्या करना, दस दस आप लोग ऐड करना, तो कितना होगा, थर्टी फोर और थर्टी एट आप लोग आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, इस तरफ से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो अब लोग सामने बारह नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, तो अब सामने बारह नंबर क्वेश्चन, बारह नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, करना करना क्या देखना, पाँच वर्ष पूर्व ए और बी की आयु आयु का अनुपात थ्री रेशियो सिक्स था, कितना था, थ्री रेशियो सिक्स था, और पाँच वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना था, फाइव रेशियो आइट हो गया, ओह आइट हो गया, तो ए और बी की वर्तमान आयु आप लोग पता करना, क्या करना आप लोग, वर्तमान आयु पता करना, तो सेम क्वेश्चन सिर्फ खाली पहले चेंज गए थे दोस्तों, तो बोलो करना क्या देखना, फिर वही तरीका लगाना, ठीक दोस्तों, तो पाँच वर्ष पूर्व ए और बी की वर्तमान आयु क्या था, वर्तमान क्या था, ए और बी की ठीक दोस्तों, तो पाँच वर्ष पूर्व हम लोग एक बी की वर्तमान पता नहीं है, तो कितने क्या करना, ए पाँच वर्ष बाद ए और बी की कितना था, पाँच वर्ष पूर्व कितना था पाँच वर्ष पूर्व कितना था, थ्री रेशियो सिक्स था, कितना था, थ्री रेशियो सिक्स था, और क्वेश्चन में कह रहा है पाँच वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, फाइव रेशियो आइट हो गया, पाँच वर्ष बाद कितना होगा, फाइव रेशियो आइट हो गया, ये तो माइनस होगा, तो पाँच वर्ष बाद आप लोग क्या करना आप लोगों को, पाँच वर्ष बाद कितना हो गया, फाइव रेशियो कितना हो गया, आइट हो गया, फाइव रेशियो आइट हो गया, तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो पाँच वर्ष बाद कितना था, थ्री रेशियो सिक्स था, और पाँच वर्ष बाद कितना था, फाइव रेशियो आइट था, तो अब लोग करना क्या देखना, तो किस इसमें अंतर कितना का है, तो पाँच वर्ष बाद में जब कितना का अंतर है, तो थ्री रेशियो फाइव में कितना का अंतर, टू का अंतर है ना, तो ए अब लिखना उधर, ए रेशियो बी, तो थ्री रेशियो कितना सिक्स है, और फाइव रेशियो कितना आइट है, तो देखूँ तो कितना का अंतर है उसमें, आठ में छः कितना का अंतर है, दो का अंतर है ना, दो का रेशियो अंतर है, तो क्वेश्चन में कह रहा है दो का अंतर नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल में कितना का है, दस का अंतर है, दस वर्ष का अंतर है,
ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष का अंतर है। तो 2 रेशियो बराबर कितना दिया है आप लोगों को, 10 दिया है। तो 1 रेशियो बराबर आप लोग कितना होगा आप लोग देखना। तो जब इसे काटोगे कितना बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। कितना बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो आप लोग करना, उसमें आप लोग पुट करना, तो इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो उसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसमें भी वैल्यू पुट सकते हैं, उसमें भी पुट करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान देना उधर। तो जब उसमें करोगे तो कितना होगा आप लोग आंसर, ठीक है देखना उधर। तो ए बी का वर्तमान आज पूछ रहा था क्वेश्चन में, प्रेजेंट एज क्या होगा ए और बी का आप लोग देखना। तो 3, तो इसमें क्या करना आप लोग, 3 × 5 करके कितना होगा 15 होगा, और आप लोग क्या करना 6 × 5 करके कितना होगा 30 होगा। तो कौन सा आएगा, वही पूर्व का 10, ये 5 वर्ष पूर्व का आ गया। तो किसने क्या आ गया, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष आप लोग क्या करना, आप लोग 5 वर्ष बाद में जाना, तो 5 वर्ष बाद में जाना तो क्या करना आप लोग, प्लस करना। तो प्लस करो तो कितना होगा आप लोग आंसर, 20 और कितना होगा 35 आप लोग आंसर होगा। कितना होगा 20 और 35 आप लोग आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं। तो उसे करने का और भी तरीका दोस्तों मैं उधर कर देता हूँ, ठीक दोस्तों। तो आप लोग देखना, तो 3x होगा कि नहीं, 3x प्लस कितना होगा 10 है ना, 10। और आप लोग क्या करना, आप लोग 6x प्लस क्या करना 10 करना, और क्या 10 होगा। तो बराबर कितना दिया है, 5 रेशियो 8 दिया है। कितना दिया है, 5 रेशियो 8 दिया। तो आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करना, कितना होगा 3 × 24 होगा कि नहीं होगा, 24x प्लस कितना 10 × 80 बराबर कितना आएगा 6 × 30 है ना, 30x तो प्लस कितना 5 × 10 = 50। तो अब लोग उसमें काटो कि कितना होगा, तो 6x होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कितना 30 होगा कि नहीं होगा, 30 है ना दोस्तों। तो 80 में से 50 चला गया तो कितना बचेगा, 30 बचेगा ना, बचेगा। तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर कितना 30/6। तो कितना बार एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो जब से काटोगे तो कितना बार, 5 बार कटेगा या नहीं कटेगा, 5 होगा। तो उसमें आप लोग पुट करना, तो वर्तमान ए और बी के पता करना, तो ए और बी के पता करना। तो क्या करना आप लोग, ए और बी तो कितना होगा, 5 × 3 करो तो कितना होगा, 5 × 3 करो तो कितना होगा, 5 × 3 करो तो कितना होगा 15 होगा, और 6 × 5 करो तो कितना होगा 30 होगा। और इसमें कौन सा आ गया है, पूर्व का आएगा। तो वर्तमान जाने के क्या करना आप लोगों को, प्लस करना, 5 प्लस करना। तो आप लोग कितना आप लोग आंसर होगा, 20 और 35 आप लोग आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 20 और 35 आप लोग आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऑलोसन 13 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो ऑलोसन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या देखना, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था, और 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो रोहित की वर्तमान आयु कितना होगा। तो अभी थोड़ा अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, खाली सिर्फ नेम और चेंज अब लोग वैल्यू चेंज है, ठीक है दोस्तों। सेम क्वेश्चन अब लोग सेम प्रोसेस लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो वो करना क्या, और रोहित और कुणाल का वर्तमान आयु क्या था, वर्तमान प्रेजेंट क्या था कुणाल और रोहित का, क्या लिखा है कुणाल और रोहित, मैं इसको लिख देता हूँ कुणाल रेशियो रोहित, ठीक है। तो कितना था, 6 वर्ष पूर्व। तो आप लोग क्या करना, आप लोग पूर्व कहेगा तो आप लोग क्या करना, उसमें 6 वर्ष पूर्व कहेगा तो आप लोग 6 वर्ष पूर्व सॉरी कितना था, 6:5 था। कितना था, 6:5 था। तो 4 वर्ष बाद कितना उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 10:10 क्या होगा, 10:11:10 हो गया। तो 4 वर्ष बाद क्या कह रहे हैं, 4 वर्ष बाद कितना हो गया, 11:10 कितना हो गया, 10 हो गया। क्या कितना हो गया, 11:10 हो गया। तो 6 वर्ष पूर्व कितना था, 6 वर्ष पूर्व के माइनस करना तो प्लस करना। तो कितना हो, 6 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद कितना हो गया, तो 10 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, ठीक दोस्तों। तो सेम डेट में आप लोग जुड़ सेम डेट घट जाता विपरीत में जुड़ जाता, तो आप लोग देखना। तो कितना होगा इसमें, 6 वर्ष पूर्व और 10 11 वर्ष पर कितना का अंतर है, कि देखेंगे तो कितना का अंतर है, उसमें 5 का अंतर है ना दोस्तों, उसमें 5 का अंतर। तो कुणाल और रोहित का रेशियो कितना था, 5:6 और 11:10। तो कितना का अंतर है, उसमें 5 का अंतर है, 5:5 का अंतर है। क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल में 5:5 का अंतर नहीं है, कितना वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है। 5:5 का बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। 1 का बराबर आप लोग 1:5 बराबर कितना होगा, 10 × 5 करो तो कितना, 10/5 करो तो कितना होगा आप लोग का, 2 होगा या होगा। तो अब उसमें आप लोग पुट करना वैल्यू, उसमें पुट करना। तो पहले वर्तमान में पुट करना, तो कितना, तो पूर्व का आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो अब लोग करना क्या देखना, तो जब उसे निकालो तो कितना होगा, रोहित का कितना होगा, कुणाल का पहले निकालना।
तो अब लोग किसका पूछा है, तो रोहित का पूछा है, तो रोहित का अब लोग निकालना है बस। अब लोग रोहित का निकालना, तो कितना होगा अब लोग रोहित का, रोहित का रेशियो कितना है, फाइव है, तो फाइव इंटू टू करके कितना होगा, फाइव इंटू टू करके कितना होगा, टेन होगा कि नहीं होगा। तो इस कौन सा का है, दस वर्ष पूर्व का है, तो पहले वर्तमान में आया क्या करना, आप लोग दस वर्ष क्या क्या करना, आप लोग पाँच पाँच क्या करना, छः आप लोग को जोड़ना, तो छः जोड़ोगे तो कितना होगा आप लोग आंसर, छः जोड़ोगे तो कितना होगा आप लोग आंसर, तो सिक्सटीन वर्ष आप लोग आंसर होगा, कितना वर्ष होगा, सिक्सटीन वर्ष आप लोग आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोगों को कुणाल का पूछेगा तो आप लोग क्या करना, तो आप लोग कुणाल का पूछेगा तो आप लोग क्या करना, कुणाल का कितना है, कुणाल का सिक्स है, तो सिक्स इंटू टू कर कितना होगा, ट्वेल्व होगा, और ट्वेल्व में से छः ऐड कर कितना होगा, बारह छः को अठारह वर्ष होगा। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो दोनों का मैं आप लोग कर दिया, तो उसे करने का और भी तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों, तो आप लोग करना के देखना, मैं थोड़ा मिटाना पड़ेगा दोस्तों इसको। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कुणाल और रोहित का, कुणाल और रोहित का आप लोग छः वर्ष पूर्व और छः वर्ष पहले, तो छः वर्ष पूर्व, छः वर्ष कितना, छः वर्ष पूर्व कहेगा, छः वर्ष पूर्व कहेगा, तो आप लोग क्या करना, पूर्व कहेगा तो क्या करना आप लोग, प्लस करना, माइनस करना, सॉरी माइनस करना, और छः वर्ष बाद कहेगा तो आप लोग प्लस करना, कितना, चार वर्ष बाद कह रहा है, तो चार वर्ष कहेगा तो बाद कहेगा तो आप लोग, चार वर्ष बाद कहेगा तो आप लोग प्लस करना, ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग याद करना। तो कितना होगा, दस वर्ष होगा, कितना होगा, दस वर्ष होगा, तो वही करना क्या देखना। तो कुणाल का अब मैं आप लोग क्या करना कह रहा हूँ, देखना एक्स लगा तो, ठीक है दोस्तों, तो सिक्स एक्स प्लस कितना होगा, टेन होगा कि नहीं होगा, दस वर्ष तो अब जोड़ लेना, तो फाइव एक्स कितना होगा, फाइव एक्स प्लस कितना, टेन होगा, तो बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है ग्यारह रेशियो, कितना दिया है, टेन दिया है, ग्यारह रेशियो टेन दिया है, तो उसमें आप लोग पुट करना वैल्यू, तो कितना होगा, सिक्सटी होगा कि नहीं होगा, सिक्सटी, तो कितना होगा, ये सौ होगा, बराबर कितना है, ग्यारह पंजा पचपन होगा, एक्स तो कितना होगा, एक सौ दस होगा कि नहीं होगा, होगा, तो कितना का डिफरेंस है, तो फाइव का डिफरेंस है, उसमें कितना का डिफरेंस है, तो फाइव एक्स बराबर कितना दिया है, फाइव एक्स बराबर कितना दिया है, तो दस दिया है ना दोस्तों, फाइव एक्स बराबर दस दिया, तो एक्स बराबर क्या होगा, वो लोग को टेन डिवाइड फाइव को कितना बार कटेगा, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, दो हो गया, तो दो हो गया ना दोस्तों, तो उसमें आप लोग वैल्यू पुट करना। तो कुणाल का आप लोग, तो रोहित का पूछा है, तो रोहित का बोलो कितना होगा, पाँच है, रोहित का तो पूछ रहा है, तो क्या करना, रोहित का कितना है, पाँच है, फाइव इंटू टू कर कितना होगा, दस होगा। एक कौन सा दिन का आएगा, ये पूर्व का आएगा, तो कितना, छः वर्ष पूर्व का आएगा, तो छः वर्ष क्या करना, बोलो जोड़ लेना, तो जोड़ोगे तो कितना होगा, बोलोगे आंसर सिक्सटीन, आप लोग आंसर होगा सिक्सटीन वर्ष, आप लोग आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ताकि हमसे चौदह नंबर क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो आप चौदह नंबर क्वेश्चन, चौदह नंबर क्वेश्चन आप लोग करना क्या देखना, चौदह नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है दोस्तों, आज तो टाइम ज़्यादा हो गया, तो आप लोग करके देखना, तो मैं कल वही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास यहाँ पर रखते हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग